एशिया कप की तारीखों का ऐलान हो गया है। 31 अगस्त से ये टूर्नामेंट शुरू होगा और 17 सितंबर तक खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट की तारीखों के साथ ही भारत के लिए भी एक खुशखबरी आई है। हम सब जानते हैं कि भारतीय टीम इस समय चोटों से परेशान है। जसप्रीत बुमराह जो की टीम के मुख्य गेंदबाज में शुमार है, लेकिन चोट के कारण लंबे समय से बाहर है। उनके अलावा टीम के युवा बल्लेबाज श्रेयस अय्यर भी चोटिल हैं और मैदान से काफी समय से दूर है। अब इन दोनों को लेकर ऐसी खबर आई है जिससे फैंस जरूर खुश हो जाएंगे। जसप्रीत बुमराह को पीठ में चोट लगी थी। उन्हें ये चोट पिछले साल लगी थी, जिसके कारण वो T20 विश्व कप में हिस्सा नहीं ले सके। इसके साथ ही बुमराह IPL में भी नजर नहीं आए। वहीं अय्यर को भी पीठ में ही चोट लगी है और वो भी इस चोट के कारण IPL नहीं खेल पाए थे। लेकिन अब वेबसाइट ESPN क्रिक इन्फो के रिपोर्ट के मुताबिक बुमराह और अय्यर की हाल में ही सर्जरी हुई है और ये दोनों खिलाड़ी एशिया कप में वापसी कर सकते हैं। NCA के मेडिकल स्टाफ की नजरें इन दोनों पर हैं और मेडिकल स्टाफ इस बात को लेकर काफी सकारात्मक है कि दोनों एशिया कप में वापसी कर सकते हैं। बुमराह ने न्यूजीलैंड में अपनी सर्जरी कराई थी। उन्होंने ये सर्जरी मार्च में कराई और पिछले साल सितंबर के बाद से वो क्रिकेट से लगातार दूर हैं। बुमराह इस समय फिजियोथेरेपी कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने हल्की गेंदबाजी करना भी शुरू कर दिया है। वहीं श्रेयस अय्यर को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के आखिरी टेस्ट में चोट लग गई थी। इसके बाद लंदन में उनकी सर्जरी हुई और वो भी इस समय फिजियोथेरेपी ले रहे हैं। जसप्रीत बुमराह और श्रेयस अय्यर अगर एशिया कप में वापसी करते हैं तो टीम इंडिया के लिए वाकई ये एक बड़ी खुशखबरी होगी, क्योंकि एशिया कप के ठीक बाद टीम इंडिया को खेलना है वनडे का वर्ल्ड कप, और वहां अगर ये दोनों खिलाड़ी टीम इंडिया के साथ जुड़ते हैं तो टीम इंडिया वाकई मजबूत हो जाएगी।